2017 च वादा किया कि असी घर घर नौकरी देवांगे। घर घर नौकरी देने का मतलब है कि पंजाब च साढ़े 55 लाख घर ने, उस हिसाब ने इन्हां नूं 55 लाख नौकरियां देनिया चाहीदियां सी, पर हले तक वड्डी तादाद च नौजवान बेरोजगार घूम रहे ने। ते दूजे पासे ये जिहड़ियां सरकारी असामियां कढ रहे इहदियां फीसां बहुत ज्यादा रख रहे ने। सीबीएसई लई ते नहीं अर्जी फीस रखी है, वह वाजिब नहीं है। ये भी शोध की जाए ताकि साढ़े वर्गे स्टूडेंट जिहड़े इहदा पेपर देना चाहते पेपर दे सकन। तो गवर्नमेंट 3000 रुपये का प्रेशर पा के बच्चे तो नौकरी तो भी वांझा कर रही है, इस करके गवर्नमेंट को अपील है कि 3000 फीस घटा के एक वाजिब रेट रखा जाए। पंजाब सरकार वालों वादा किया गया सी कि हर घर विच नौकरी दिती जाएगी। लंबे इंतजार तो बाद सरकार ने नौकरियां तो जरूर कढ़िया हन, पर बहुते नौजवान हन नौकरियां लई अपराई करन तो असमर्थ हन। कारण विद्यक योग्यता या तजुर्बे की घाट नहीं, सगों सरकार ने नौकरी अपलाई करन लई फीस ही इन्नी रखी है कि हर कोई इस नूं भरन लई असमर्थ है। बीते दिन पंजाब लोक सेवा कमीशन वालों तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जेल विभाग विच अफसर अते कई होर नौकरियां कढ़ियां गईयां हन। इन्हां लई विद्यक योग्यता ग्रैजुएशन रखी गई है अते 37 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति नौकरी लई अपलाई कर सकता है। पर तुसीं इह जाण के हैरान रह जाओगे कि नौकरी लई अपलाई करन लई 3000 रुपये खर्चने पैणगे। जे कोई अनुचित जाति तो संबंध रखता है तो फीस 1100 रुपये है। बहुते नौजवान अजिहे हन जिहड़े 8-10 हज़ार प्रति महीने की नौकरी करते हैं, उन्हां लई 3000 रुपये फीस भर के नौकरी ते अपलाई करना बहुत औखा है। इस संबंधी लुधियाना के नौजवान ने सरकार नूं अपील की है कि नौकरी देने की बजाय अपने खजाने ना भरे जाण। पंजाब सरकार वालों पीपीएससी दीआं कुछ असामियां दा ऐलान किया गया जिदे च उन्हां ने फीस रखी है 3000 रुपये, जेड़ा कि मैनूं लगदा बहुत ज्यादा आम बंदे लई इह फीस देना बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी गरीब बच्चा दा सपना हुंदा कि असीं पीपीएससी दा एग्जाम क्लीयर करिए। इह कैप्टन साहब नूं जेड़ा इह फीस वाला फैसला है इहनूं दुबारा सोचना चाहीदा ते मिनिमम फीस रखनी चाहीदी है तां जो इहदे च मैक्सिमम बच्चे एग्जाम दे सकन। नाले दूजे पासे मैं एक गल होर कहना चाहुंदा, कैप्टन साहब ने 2017 च वादा कीता सी कि असीं घर घर नौकरी देवांगे। घर घर नौकरी देने का मतलब है कि पंजाब च साढ़े 55 लाख घर ने, उस हिसाब ने इन्हां नूं 55 लाख नौकरियां देनिया चाहीदियां सी, पर हले तक वड्डी तादाद च नौजवान बेरोजगार घूम रहे ने। ते दूजे पासे ये जिहड़ियां सरकारी असामियां कढ़ रहे इहदियां फीसां बहुत ज्यादा रख रहे ने। ते ये जिहड़ियां असामियां ने ये भी इन्हां ने जाण के इन्हां अपनी टेरोर खत्म होने ते इन्हां ने ये रिलीज कीती है लिस्ट, जबकि इन्हां नूं पहले ही 3 साल पहले ही यह सारियां असामियां भर लेनियां चाहीदियां सी। ये सिर्फ साडे लोकां ते अखां च घट्टा पाया जा रहा है। ते कैप्टन साहब नूं बेनती है कि जिहड़ी फीस है 3000 रुपये इहनूं दुबारा सोच के इहनूं मिनिमम कीता जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜੇ ਜੈਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਲਈ 3000 ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਪੀਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜੋ 3000 ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 3000 ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।